नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास इलेवेंथ की हिंदी। क्लास इलेवेंथ की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग एक का चैप्टर अक महादेवी द्वारा लिखी गई एक कविता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अक महादेवी जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई उस कविता को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारी जो कवयित्री हैं अक महादेवी, इनका जन्म बारहवीं सदी, ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म बारहवीं सदी कर्नाटक के उड़तरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ। इनका जन्म जो है कर्नाटक के उड़तरी गांव और जिला शिवमोगा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हिंदी में वचन सौरभ नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ध्यान से पढ़िएगा कि इनकी जो रचनाएं हैं हिंदी में तो है वचन सौरभ के नाम से जानी जाती हैं और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ये जो इनका संवाद किया गया है वो A.K. रामानुज द्वारा किया गया है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है जो इतिहास हमारा है। और आप देख सकते हैं उनका जो रूप है उससे भी आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रूप बिल्कुल शिव भगवान की तरह ही साधारण है। तो इतिहास का देखिए, बारहवीं सदी की यहाँ पर बात की गई है। तो इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री है और वो चिन्ह महत्वपूर्ण कवयित्री थी। चिन्ह मल्लिकार्जुन देव यानी कि शिव, चिन्ह मल्लिकार्जुन देव अर्थात शिव इनके आराध्य हैं। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि हैं। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन यानी कि इनके ही आसपास के कन्नड़ संत कवि हैं। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ होता है बहिन। जो कन्नड़ भाषा होती है उसमें अक शब्द का अर्थ होता है बहन। तो अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक बार वहां का जो स्थानीय राजा था वो इनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह करने हेतु इनके परिवार पर दबाव बनाया गया। उसने उनके परिवार पर एक तरह से इनसे विवाह हेतु दबाव डालना शुरू किया। अक महादेवी ने राजा के सामने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी। अक महादेवी ने राजा के सामने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी। उन्होंने क्योंकि शर्तें जब रखी तो उस टाइम तो उन्होंने मान ली, लेकिन विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। यानी कि विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों को नहीं माना, उन शर्तों का पालन नहीं किया। यह त्याग केवल इसीलिए महादेवी ने उन्हें उसी क्षण वस्त्र आभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। उसी क्षण जो है अक महादेवी ने सारे जितने भी वो वस्त्र आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, राजसी वस्त्र आभूषण, वो सब त्याग कर राजमहल छोड़कर वो वहां से चली गई। और पर यह त्याग केवल स्त्री शरीर नहीं है, यानी कि यह त्याग केवल स्त्री शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ ही महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। यानी कि जो ये त्याग उन्होंने किया उस टाइम पे कि उन्होंने अपने, क्योंकि अगर चाहती तो वो राजा की पत्नी थी, राजमहल में रहती थी, खूब सारा उनके पास कोई कमी नहीं थी, गहने थे, वस्त्र थे, लेकिन उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया। और वो त्याग जो है केवल स्त्री के शरीर का नहीं था बल्कि गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कवहु नहीं कीनी, ज्यो रण माही सूरो, पर अक पूर्णतः चरितार्थ होती है। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने
तन की आस नहीं की, तन की आस कबहू नहीं की नी ज्यो रण माही सूरो। तो उन्होंने अपने सारे जो वस्त्र आभूषण थे, जो राजसी वस्त्र आभूषण थे, वो सब कुछ त्याग कर जो है महल में ही छोड़ दिए। यानी कि एक साधारण मनुष्य की तरह, बिल्कुल एक आम स्त्री की तरह वो वहां से निकल गई। और इस तरह से क्योंकि जैसे हमने बताया कि इसके ये एक गहरा बोध था, ये एक गहरा ज्ञान था, महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। तो इस तरह से अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। क्योंकि देखिए, जब एक लीडर मिल जाता है तो यहाँ पर अक महादेवी जो है महिलाओं की लीडर बन चुकी थी और उनकी ही आंदोलन से बहुत सारी जो निचले तबके की जो महिलाएं थी वो शैव आंदोलन से जुड़ी और अपने संघर्ष को, जो भी उन्होंने जीवन में संघर्ष किया था, उनको जो जो यातनाएं मिली हुई थी, उन सभी यातनाओं को उन्होंने कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है, कि जो क्रांतिकारी चेतना जहां से शुरू हुई उसका पहला सृजनात्मक दस्तावेज के रूप में है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा स्रोत भी। इनके यहाँ पर दो वचन दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, अक महादेवी के दो वचन दिए गए हैं और इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह जी ने किया है। ये अंग्रेजी में है दोनों वचन और इन दोनों का अनुवाद यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी ने किया है। प्रथम वचन या प्रथम जो कविता है या वचन कहें या प्रथम जो काव्यांश कहेंगे हम, कि उस पर इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। उस टाइम पे उन्होंने किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि वो सब कुछ त्याग कर, अपना सारे वस्त्राभूषण त्याग कर वो आ चुकी थी, तो उस टाइम पे सबसे मेन चीज होती है इंसान की, वो अगर स्टेबल रहना चाहता है, वो अगर सुख दुख परेशानियों से किसी भी चीज में अगर वो घबराना नहीं चाहता है, अगर वो एक तरह से बिल्कुल स्थिर बना रहना चाहता है, तो उसके लिए सबसे मेन चीज होती है, सबसे जरूरी चीज होती है कि इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। आधे से ज्यादा चीजें आज के टाइम में क्या किसके लिए होती है? पेट के लिए, ठीक है ना। सारी चीजें किसके लिए हो रही है? भूख के लिए, कि इंसान को भूख लगती है, उसको खाना खाना है और खाना भी उसको अच्छा खाना है, इसीलिए सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं कि हमें अच्छा देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, अगर इन पर हम कंट्रोल कर लें, इन पर अगर हम नियंत्रण कर लें, तो फिर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्टेबल इंसान हो जाएगा, कि ये सारी चीजें जो समाज में हो रही है ये काफी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने जो प्रथम हमारा काव्यांश है उसमें बताया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण आप करिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है, कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा, जैसे इंसान होता है जब खुशी आती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो जब दुख उनके ऊपर आते हैं तो फिर वो दुखी भी उतना ही होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी खुशी को संभाल कर चले तो दुख भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको संभालना आता है चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले इंद्रियों पर कंट्रोल, और यह उपदेशात्मक ना होकर एक प्रेम भरा मनुहार है। और जो ये पहला वचन है ये कोई उपदेशात्मक नहीं है, यानी कि उपदेश नहीं दिया जा रहा है आपको, बल्कि एक प्रेम भरे मनुहार के साथ आपको बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, ठीक है। और दूसरा वचन जो है, जो दूसरे वचन की बात की है, वो एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर दर्शा रहा है। जो दूसरा वचन है वो एक भक्त का है, जो कि ईश्वर के प्रति उसका पूर्ण समर्पण दिखा रहा है, कि मेरा जो सब कुछ है वो सिर्फ आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह मल्लिका अर्जुन की, यानी कि भगवान शिव की अनन्य भक्त अक महादेवी, उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु को अपनी झोली
खाली करने के लिए तैयार है। यानी कि वो कहती है कि हे भगवान, अगर आपकी कृपा मुझ पर हो जाए तो मैं अपना सब कुछ, अपना सर्वस्त्र छोड़ दूं, सर्वस्त्र न्योछावर कर दूं, और ऐसे निष्प्रह स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कहती है, आप एंड में समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से वो कहती है, ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती है। वो कहती है कि जीवन में, और आपने अक्सर देखा भी होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ठीक है ना, कि जिसको जब कभी भी दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, तभी वो सुमिरन करता है। ठीक है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यदि हम सुख में भी सुमिरन करेंगे और दुख में भी सुमिरन करेंगे, यदि हम हमेशा नाम लेंगे तो हमें दुख का आभास ही नहीं होगा। लेकिन हमारी तो आदत पड़ चुकी है कि हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमें दुख होता है, जब हमें कष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मुझे ऐसी स्थिति मेरी हो जाए, ऐसी निष्प्रह स्थिति की वो कामना करती है कि वो कहती है जिससे मेरा सारा अहंकार चूर हो जाए। कि क्योंकि जब हमारे अंदर दुख नहीं होता ना, तो हम अपने ही अहंकार में रहते हैं, चलो अभी पूजा नहीं करनी शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं करनी सुबह करेंगे, ठीक है। और जब दुखी होते हैं ना, तो 3 टाइम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भगवान जी बस बस आपका ही सहारा है, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरी ऐसी स्थिति कर दो कि मेरा सारा जो अहंकार है वो चूर हो जाए, सारा घमंड, सारा मेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो बहुत ही छोटे छोटे से 2 वचन हैं यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया, यहाँ पर दोनों के बारे में क्लियर कर दिया कि दोनों में क्या कुछ बताया है। जैसे मैंने पहले वाले में आपको बताया कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कहा गया है, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके बारे में बताया है। तो देखिए, शुरू करते हैं, अपने पहले वचन को पढ़ना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हे भूख मत मचल, क्या कहा है यहाँ पर, हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, हे ईशा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चिन्ह मल्लिकार्जुन का। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति देखिए, हे भूख मत मचल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज समाज में जो भी चीजें हो रही, मुझे लगता है कि 90% जो भी चीजें हो रही हैं, अच्छी बुरी, वो सब पेट के लिए हो रही है। यानी कि इंसान की जो भूख है, उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपने परिवार का पेट भरना है, इसीलिए वो सारे काम करता है, चाहे अच्छे करे चाहे बुरे करे, चाहे लड़ाई झगड़ा करे चाहे ईमानदारी दिखाए, कोई भी चीज, कुछ भी चीज। और ज्यादातर तो मुझे लग रहा है कि आज के टाइम पे जो भी गलत काम हो रहे हैं, ठीक है ना, सारी चीजें, चोरी चकारी से लेकर, ये सब किसके लिए होती है, सबसे पहले पेट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर भूख को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, और ये कहा भी क्या है कि जो 3 टाइम भोजन करे वो रोगी, और जो 2 टाइम भोजन करे वो, सॉरी, जो 1 टाइम भोजन करे वो योगी, जो 2 टाइम भोजन करे जो 1 टाइम भोजन करे वो योगी, जो 2 टाइम भोजन करे वो भोगी, जो 3 टाइम भोजन करे वो रोगी। यानी कि 3 टाइम जब हम भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर पर असर डालता है। यानी कि हमें 3 टाइम का प्रॉपर मील तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर हम 1 टाइम सैलेड खा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हम 3 टाइम क्या, हम तो 4 टाइम भी किसी टाइम खा लेते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि अगर आपको निरोगी रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो
तो आप चाहें तो एक टाइम का भोजन जो है स्किप कर सकते हैं, खास तौर पर बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल में। जब आप क्लास 12th में होते हैं उस टाइम पे आपको आपका माइंड जो है फ्रेश रहना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने हैं, आपको अन्न पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाना है और बाकी प्रोटीन युक्त जो है भोजन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि अपनी भूख को कंट्रोल करो, हे भूख मत मचल, यानी कि कम से कम जो है अगर दो रोटी की भूख है तो एक, एक की भूख है तो आधी, यानी कि आपको क्या करना है आधा पेट भोजन, ठीक है ना, आधा पेट, धीरे धीरे अपनी भूख को कम करने, क्योंकि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा नींद आएगी और उतना ज्यादा क्या होगा आपका काम जो है खराब होगा। जो सोता है वो खोता है, यानी कि हर टाइम सोते रहेंगे तो फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला है कि अपनी भूख को कंट्रोल करना है, अपना हर टाइम, यानी कभी ये बाजार का खा लिया, कभी चिप्स का पैकेट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया, कभी लंच कर लिया, फिर शाम के स्नैक्स खा लिए, फिर रात का डिनर कर लिया, फिर उसके बाद दूध भी पी लिया, उसके पहले फ्रूट भी खा लिए, ठीक है। तो ये सारा मिक्सअप नहीं करना है, एक टाइम का थोड़ा सा स्किप करना है या कम करना है क्वांटिटी में, और इसी तरह से धीरे धीरे उसको कम करते रहना है। तो सबसे पहले भूख को यहां पर कंट्रोल करने की बात की है कि हे भूख मत मचल, यानी कि तू मुझे परेशान मत कर, तू मचल मत, हे प्यास तड़प मत, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्यास, ठीक है, उसको भी कंट्रोल, उसको भी नियंत्रित करने के लिए कहा है कि हे प्यास, क्योंकि कई बार कैसी सिचुएशंस आ जाती है, कैसी परिस्थितियां आ जाती है, इंसान को कैसी सिचुएशन में रहना पड़ता है, तो प्यास को भी कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। हे नींद मत सता, नींद को भी कंट्रोल करना है, और मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना विद्यार्थियों पर बहुत ज्यादा लागू होती है, ठीक है ना, कि हे नींद मत सता, नींद को कहा गया है कि तू मुझे मत सता, नींद पर कंट्रोल करना है। जहां आप रात को 10-10 घंटे सोते हैं रात को, तो वहां उसको 8-6 घंटे पर लेकर आना है और उस टाइम का सदुपयोग करना है अपनी पढ़ाई करने पर, अपने अपनी तरह से जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है अगर आप कुछ करते हैं, ठीक है, उन पर स्पेंड करने पर, ठीक है। क्रोध मत मचा उथल पुथल, उसके बाद जो फोर्थ चीज आती है सबसे मेन इंसान के जीवन में, वो है क्रोध, ठीक है। क्रोध क्या होती है, क्रोध की अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, हम क्रोध आता है जब हमें, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीजें सिर्फ क्षणिक होती है, यानी कि एक क्षण के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है क्रोध आएगा और आप बहुत चीजें बोल देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, देखिए वो आपको नहीं पता क्योंकि आप गुस्से में हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो होगा, उसका जो असर होगा, जो आपने बोला है किसी को, जो आपने किया है, वो सारी चीजें जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तो वो आपको रियलाइज करवाएंगी कि आपने जो भी किया वो गलत किया, ठीक है, वो आपने नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी को कुछ बोल देते हैं गुस्से में, कुछ कह देते हैं या फिर आप कुछ कर देते हैं, तो वो सारी चीजें फिर वापस आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रोल जो करना है वो अपने क्रोध को करना है, ठीक है ना। हम कई बार बोलते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, कई बार होता है कि हमको लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप अगर उस चीज को, जिस चीज से आपको गुस्सा आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर कर दो, थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको छोड़ दो, तो शायद वो गुस्सा कम हो सकता है, यानी कि शायद आपको जो हम आ रहा है कहते हैं ना, वो शायद वो आए ना, बस आपको पता चल जाए कि आपको आ रहा है और आप उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो इस तरह से हे मोह पाश अपने भी, मोह पाश में बंधे हुए हैं संसार में सभी लोग, आपस में भी, वस्तुओं से भी, जो सांसारिक चीजें हैं और सुख के साधन जो हैं, हर चीज किसके लिए हम मोह में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर कहा है कि हे मोह पाश अपने ढील, कि जो तूने ये पाश में जिसको हमें बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ढील दे दे, क्योंकि अगर हम मोह में फंसे रहेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर सकते फिर,
अगर हमें लगेगा कि नहीं हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, हम घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, या आपके मम्मी पापा सोचेंगे कि बच्चा घर से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर आपको लगता है कि ये चीज मेरी फेवरेट है, मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, तो इस तरह की चीजें ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको पता है कि जो संसार है ये नश्वर है, सारी चीजें चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, अगर आप कोई भी टॉय भी लेते हैं वो कुछ टाइम बाद आपका खराब ही हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से इंसान का भी जीवन है कि कभी ना कभी उसको भी जाना है। तो इतना जो है मोह, इतना एक तरह से दूसरों के साथ जो आपका लगाव है कि आप उसमें अपना ही काम भूल जा रहे हैं, अपनी ही जरूरतें भूल जा रहे हैं, अपने ही जीवन को भूल जा रहे हैं, ऐसे मोह में ना फंसे, ऐसे मोह को त्याग दे, ऐसे मोह को ढील दे। तो यहाँ पर कहा है लोभ मत ललचा, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है लोभ, लोभ यानी कि लालच। तो यहाँ पर कहते हैं ना लालच बुरी बला है, सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में है लालच, कि इंसान को लगता है कि यार ये आ गया अब यही बचा हुआ है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लगता है यार आज तो छोटा सा घर है थोड़ा बड़ा बन जाए तो ठीक है, थोड़ा बड़ा घर बन जाता, अरे घर तो बड़ा बन गया, अब एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती तो ठीक था, गाड़ी आती तो फिर ये चाहिए फिर वो चाहिए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, परिवार हो, घर हो, ठीक है। तो इंसान की इच्छाएं चाह जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इंसान का जो लोभ है, जो लालच है कि यार इतना है अगर थोड़ा और हो जाता तो वो ठीक ही होता, अगर इतना है तो और हो जाता तो ठीक ही होता, ठीक है। तो लोभ भी इंसान का कभी भी खत्म नहीं होता है। तो कहा है लोभ मत ललचा, लोभ पर भी नियंत्रण करने के लिए यहां पर कह रही है, और कहती है हे मद मत कर मदहोश, हे मद मत कर मदहोश, यानी कि जो हम चीजों के आकर्षण में आ जाते हैं ना, उसके लिए भी कहा है कि हमें बहुत जल्दी से किसी के आकर्षण में नहीं आना है, हमें बहुत जल्दी से कहीं पर मंत्र मुग्ध नहीं होना है कि हे मद मद कर मत कर मदहोश। किसी भी चीज का मद हो सकता है, वो किसी भी चीज का नशा हो सकता है, चाहे रुपए पैसे का हो, धन दौलत का हो, ठीक है, रूप सौंदर्य का हो, किसी भी चीज का नशा हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि उसमें भी आप ना फंसे, ठीक है ना। हे मद मत कर मदहोश, हे ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या को भी कंट्रोल करने के लिए कहा है, क्योंकि ईर्ष्या क्या करती है, जला देती है, कहते हैं ना जलन, इसको बहुत ज्यादा जलन है, इसको बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा चिढ़ता है ये, ठीक है, कि दूसरों को अगर कुछ सामान मिल गया या दूसरों के पास कुछ आ गया या दूसरों की कोई भी चीज, तो अगर जो जलन की भावना होती है वो इंसान को अंदर से क्या कर देती है, बहुत ज्यादा एक तरह से तोड़ देती है, बहुत ज्यादा कमजोर कर देती है। ओ चराचर चूक मत अवसर, इस चराचर के लिए कहा है कि चूक मत अवसर, जो समय तुझे मिला है, क्योंकि इंसान जो ये संसार में जो मनुष्य का के रूप में जब हम जो हम आए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी बुद्धि जितना अनुशासन मनुष्य के अंदर है, संसार में किसी और प्राणी के अंदर इतना नहीं है, किसी भी प्राणी के अंदर इतना नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इंसान की जो योनि मिली हुई है और हमें उसका भरपूर एक तरह से लाभ लेना चाहिए। तो ओ चराचर मत चूक अवसर, ये जो तुझे अवसर मिला हुआ है, ये अवसर किस चीज का, यहाँ पर अगर संसार में आए हो तो परोपकार करो, भगवान की पूजा करो, ईश्वर में ध्यान लगाओ और अच्छे कर्म करो, एक तरह से दूसरों की सहायता करो, सब काम ऐसे करो कि जो अगला जन्म हो उसमें भी आप मनुष्य बनकर ही आओ, इस तरह के काम करो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा अवसर, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी जानवर कोई भी जीव जंतु किसी की भी स्थिति मनुष्य की तरह तो कभी नहीं होती, ठीक है ना, चाहे वो कितने भी ऐशो आराम में रह रहा हो, मनुष्य की तरह उसका जीवन कभी नहीं हो सकता, जो मनुष्य के पास बुद्धि है वो उसके पास कभी नहीं हो सकती। तो जो ये आपको अवसर मिला है, ये जो एक मौका भगवान ने दिया है, इस अवसर को मत चूको, जितना परोपकार करना है, जितनी अच्छाई करनी है, जितना समाज के लिए काम करना है, दूसरों के लिए करना है, उस सबको करो, और सबसे बड़ी बात की ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की एक तरह से आराधना करो, ठीक है। आई हूँ संदेश लेकर चिन्ह मल्लिका अर्जुन का,
तो क्या कहती हैं आप महादेवी अपनी अंतिम पंक्ति में यहाँ पर कि ये सब संदेश मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, किसका? चिन्ह मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का। ये वो नहीं कह रही है, वो कहती है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, अपनी प्यास को नियंत्रित करो, अपनी भूख को नियंत्रित करो, अपने मोह को नियंत्रित करो, अपने लोभ को नियंत्रित करो, अपने मद को नियंत्रित करो, और अंत में जो तुम्हें ये अवसर दिया गया है कि एक मनुष्य के रूप में तुम यहाँ पर आए हो तो उसका लाभ उठाओ, उसका फायदा उठाओ और इस अवसर को मत चूको। तो इस तरह से पहला जो हमारा वचन था, पहला काव्यांश हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरा काव्यांश है हमारा जिसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक भक्त के बारे में बताया है कि जो ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है। पहले वाले में तो हमने यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण की बात की थी, दूसरे वाले में यहाँ पर एक भक्त जो है अर्थात जो अक महादेवी है वो अपना सब कुछ जो है भगवान को अर्पित कर देना चाहती है, समर्पित कर देना चाहती है। क्या कहती है? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। क्या कहती है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। फिर देखिए वही पंक्ति आ गई, मंगवाओ मुझसे भीख। अब देखिए कौन चाहता है कि मैं भीख मांगू? कोई चाहता है इस संसार में? इससे पहले वाली लाइन में मैंने बताया था कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती है हमें वो भी कम लगती है, हमें लगता नहीं कि क्या कि ये हमारे लिए हम इसमें सेटिस्फाइड हैं, हम उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि उसमें भी हमें कुछ ना कुछ कमी जो है लगती है। लेकिन जो अक महादेवी हैं वो कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। अर्थात वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी परिस्थितियां ऐसी आए कि मैं हर टाइम तुम्हें याद करूं, हर समय में तुम्हें याद करूं, कि ऐसी सिचुएशन ले आओ, ऐसी कंडीशन ले आओ कि मुझे मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, कि मेरे अंदर जो ये अकड़ है ना, एक इंसान होने की अकड़, एक मनुष्य होने की अकड़, ये अकड़ जो है खत्म हो जाए, मैं इस कंडीशन में पहुंच जाऊं। तो कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। मुझे इस तरह की परिस्थितियां दो कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। वो कहती है कि कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, क्योंकि वो सांसारिक बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहती, वो लोभ मोह काम क्रोध में फंसकर नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि ऐसी परिस्थितियां कर दो कि मैं अपना घर भूल जाऊं, मेरे अंदर से लोभ, मेरे अंदर से मोह, मेरे अंदर से काम, मेरे अंदर से क्रोध, सारी चीजें जो है निकाल दो, सब कुछ खत्म कर दो, मैं ऐसी ऐसी कंडीशन ले आओ कि मैं अपना घर जो है भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। वो कहती है कि परिस्थितियां ऐसी करो कि मैं झोली भी फैलाऊं और ना मिले भीख। मुझे इतना ज्यादा मजबूर कर दो कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें याद करूं, हमेशा और हमेशा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। कहती है कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। मैं झोली फैलाऊं और मुझे भीख ना मिले, और कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, और इस पर भी मेरी झोली फैली हुई है और कोई हाथ बढ़ा रहा है कुछ देने को, तो वो नीचे गिर जाए, और वो गिर जाए नीचे, कि वो मेरी झोली से फिसल कर नीचे गिर जाए। इतनी बुरी परिस्थितियां मैं चाहती हूँ, ताकि मेरे अंदर जो ये मनुष्य होने का ये जो घमंड है ये चूर हो जाए, मैं अपने आप को आपका एक दास मानूं और आपकी सेवा करूं। वो कहती है कि कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि देखिए लास्ट पंक्तियां तो आपको आंसू दिला देंगी, कहते हैं कि और कहती है यदि मैं झुकूं उसे उठाने, वो कहती है कि उस गिरी हुई भीख को उठाने भी मैं जब झुकूं नीचे तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, कोई कुत्ता आ जाए, यानी कि उन्होंने कुत्ते को भी अपने से आगे रखा है। वो कहती है कि कोई कुत्ता आ जाए और वो झपट ले मेरी उस मिली हुई भीख को भी, ऐसी परिस्थितियां मुझे दे। वो चाहती है कि मनुष्य का जो सारा घमंड है, जो सारा गुरूर है मनुष्य का, वो चूर हो जाए और उसको अपनी असली जो
जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया है संसार में, उसकी जो वैल्यू है वो पता चले। तो इस तरह की परिस्थितियां वो चाहती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इस पूरे के पूरे वचन का एक ही यहाँ पर जो मीनिंग मैंने बताया आपको कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे, जो एक तरह से सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। ठीक है ना, कि हर कंडीशन में हमें सिर्फ भगवान को याद करना है। कि अगर हम केवल दुख में भगवान को याद करते हैं, केवल कष्टों में भगवान को याद करते हैं, तो फिर ये एक तरह से कहीं भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है, किसी कभी भी हमें भगवान भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज आपको महादेवी जी द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी कविता जो हमने पढ़ी, और इसमें दो वचनों को हमने पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो वचन है ये काफी अच्छे लगे होंगे और कुछ समझ में आया होगा आपको, और कुछ चीजें आपने सीखी होंगी आज यहाँ से। तो हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।